वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू द साइकोलॉजी क्लासरूम। सो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एवरीबडी इज फाइन एट होम ऑल्सो। सो विद दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वॉन्ट चिल्ड्रेन गिव यू अ सजेशन दैट टू स्टडी हार्ड। ओके, मेक योर टाइम टेबल, मेक योर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। नाउ यू ऑल हैव गिवन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, सो इट्स ओवर। गेट बैक टू योर स्टडी, कंप्लीट योर ऑल वर्क्स लाइक कंप्लीट योर कॉपीज, कंप्लीट योर प्रैक्टिकल। सो एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर एंड वेल मैनर। नाउ चिल्ड्रेन, the topic which I am going to discuss with you today is adolescent stage, the challenges of adolescence. Okay, it's not clear to you all. Your topic is challenges of adolescence. So student, we are studying about the adolescence, the challenges of adolescence, or what is adolescence stage. Okay, adolescence की अगर हम बात करें तो it is a very critical stage. So it is a very critical stage. एडोलसेंट स्टेज को बहुत ही डेलिकेट स्टेज माना जाता है और इसका टाइम पीरियड अराउंड 14 के बाद की स्टेज होती है। और इस स्टेज में, दिस स्टेज इज मार्क्ड बाई ट्रेमेंडस चेंज इन द फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। बहुत ही ज़्यादा चेंज आता है पर्सन के, फिजिकल चेंज आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं। द टर्म एडोलसेंस, अगर एडोलसेंस की बात करें तो इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोल्सिया विच मीन्स टू ग्रो इन टू द मेच्योरिटी। इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड adolescere. Adolescere is a Latin word and जिसका मतलब होता है to grow into maturity, maturity में develop होना। It is a transition period in a person life from childhood to the adulthood. ये जो stage होता है ये between में आता है childhood और adulthood। बच्चा childhood में जब होता है and when the person goes into the adulthood, ये middle stage में आता है, adolescence क्रॉस करके वो पर्सन एडल्टहुड स्टेज में जाता है। एडोलसेंस इज कॉमनली डिफाइंड एज द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिन एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज अटेन। तो बेसिकली एडोलसेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द नेम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड व्हेन पर्सन विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस। It has been regarded as a period of rapid change both biologically and psychologically, which I said right now. Though the physical changes that take place during this stage are universal and the social and psychological dimension of the adolescent experience dependent on the culture context.
It was trying to say that what are the biological changes which take place during adolescence is very universal. Means जो भी biological changes होते हैं adolescent stage में तो ये तो सभी के साथ होते हैं, पर जो social और psychological changes होते हैं ये person के culture पर depend करता है. For example, in culture where the adolescent years are viewed as problematic or confusing, the adolescent will have very different experiences from someone who is in a culture where adolescent years are viewed as beginning of adult behavior and therefore undertaking responsible tasks. Means person ka social ya psychological change totally depend karta hai person ke culture pe, kis culture mein ya kis environment mein child rear kar raha hai. ये टोटली डिपेंड करता है उसके सोशल और साइकोलॉजिकल चेंज को. नाउ लेट अस स्टडी चिल्ड्रन व्हाट आर द चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलसेंट. सो चिल्ड्रन लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट द फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है एडोलसेंट स्टेज में. What are the physical development that take place during adolescence? So puberty or the sexual maturity mark the end of childhood, signify the beginning of adolescence, which is characterized by dramatic physical changes in both growth rate and sexual characteristics. बहुत सारे सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, रैपिड ग्रोथ होता है इस स्टेज में. हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं बच्चों, तो कीप इट इन माइंड. हाउएवर प्यूबर्टी इज नॉट अ सडन इवेंट बट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस. हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग प्यूबर्टी रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो बेसिकली जो एडोलसेंट स्टेज है, अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट में वो दो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं. कौन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं इंक्लूड डायरेक्टली रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, एंड द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड फीचर्स और साइंस ऑफ अचीविंग सेक्सुअल मैच्योरिटी. मीन्स ये जो स्टेज होता है इसमें पर्सन के हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, तो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज इसे बोला जाता है. अगर हम लोग चेंजेस देखें क्या होते हैं, प्यूबर्टल चेंजेस इन बॉयज आर मार्क्ड बाय लाइक प्यूबर्टल चेंजेस जो बॉयज में होते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन इन ग्रोथ, ओके, बहुत तेजी से उनकी हाइट एडोलसेंट स्टेज में बढ़ जाती है, ठीक है, ग्रोथ इन हाइट, फेशियल हेयर, ओके, मार्क्ड बाय एक्सेलरेशन इन चेंज इन वॉइस, ठीक है, दे हैव अ स्टार्ट हैविंग अ बियर्ड, मुस्टैच, तो ये सब हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन गर्ल्स. इन गर्ल्स रैपिड ग्रोथ इन हाइट यूजली बिगिन अबाउट टू इयर्स बिफोर मेनार्की. मेनार्की होने से पहले, विच इज द ऑनसेट ऑफ मैच्योरेशन, उससे पहले ही गर्ल्स में बहुत तेजी से हाइट में इंक्रीज होता है. The growth spurt generally begin at the age of 12 or 13 for boys and at the age of 10 or 11 for girls. Girls जब 11 years तक हो जाते हैं तो उनकी height spurt हो जाती है, रुकना start कर देती है, and it is the boys में age होती है 12 to 13. It is normal to have variation in the pubertal sequence. For example, among two boys of same chronological age, one may complete pubertal sequence before the other has begun. Both genetic and environment play an important part in this. It was trying to say that कि जो genetic भी होती हैं, वो कई लोग बहुत जल्दी maturity attain कर लेते हैं, कई लोग बहुत slowly maturity attain करते हैं. तो it totally depend on person to person, it totally depend on child to child. So always there is an individual डिफरेंट. ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि एडोलसेंट स्टेज क्या है. इट इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेज. ट्रेमेंडस चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज. इट इज अ स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन. द पर्सन इज एबल टू रिप्रोड्यूस,
ओके, ऑल द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर डेवलप्ड डिफरेंटली इन बॉयज एंड गर्ल्स. सो दीज आर द फिजिकल डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल सो दिस फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस इज ऑल्सो एकम्पनीड बाई ए नंबर ऑफ फिजोलॉजिकल चेंजेस. अराउंड प्यूबर्टी एडोलसेंस शो एन इंक्रीज इंटरेस्ट इन द मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स एंड इन सेक्सुअल मैटर एंड अ न्यू अवेयरनेस ऑफ सेक्सुअल फीलिंग डेवलप. ओके, ये सारी चीज़ें भी एडोलसेंस स्टेज की मार्क होती है. वी हैव द चाइल्ड हैव द अट्रैक्शन टुवर्ड द अपोजिट जेंडर अपोजिट सेक्स स्टार्ट हैविंग इंटरेस्ट इन सच काइंड ऑफ टॉपिक सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट. द इंक्रीज अटेंशन टू सेक्सुअलिटी is caused by factors such as individuals' awareness of the biological changes taking place and the emphasis placed on sexuality by peers, parents and society. Even then, many adolescents lack adequate knowledge of have misconception about sex and sexuality. That's why इस स्टेज को बहुत ही क्रिटिकल माना गया है, क्योंकि Going a very proper information is very important for them. उनके पास सही सही information जाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इस यही स्टेज है जहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं विच दे आर अनएबल टू टैकल, विच दे आर अनएबल टू सॉल्व. सो दे नीड अ प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर केयर ड्यूरिंग दिस पीरियड. Now we will move toward the cognitive development. क्या cognitive development होता है? Cognitive means mental development, the mental processes development. Physical development के बारे में बात करेंगे, किस चीज की? Cognitive development की. कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट की बात करें अगर हम लोग तो एडोलसेंस में एडोलसेंट थॉट बिकम मोर एब्स्ट्रैक्ट. अगर पियाजे की थ्योरी देखें तो पियाजे टॉक अबाउट द फोर स्टेजेस ऑफ कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट. लाइक फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर, सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल एंड थर्ड इज कंप्लीट ऑपरेशनल एंड नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑपरेशन. सो इन दैट कंटेस्ट फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज होता है वो एडोलसेंट स्टेज हुआ, जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लगती है, कंक्रीट थिंकिंग नहीं रहती है. कॉन्क्रीट से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं. सो एडोलसेंट थॉट बिकम मोर एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल एंड आइडियलिस्टिक. दे बिकम मोर कैपेबल ऑफ एग्जामिनिंग देयर ओन थॉट्स, अदर थॉट्स एंड व्हाट आर अदर थिंकिंग अबाउट देम. तो इस स्टेज में आके बच्चे जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, उनकी थिंकिंग बहुत ही लॉजिकल होने लगती है, रीजनिंग बेस्ड होने लगती है, वो मीनिंग समझते हैं हर चीज़ों की. दे आर वेरी क्यूरियस टू नो ईच एंड एवरीथिंग. ओके, एंड दे अंडरस्टैंड ऑल्सो, अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप हो जाती है. दे मैच्योर्ड, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर, दूसरे उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं चलता रहता है. एडोलसेंस डेवलपिंग एबिलिटी टू रीजन गेम न्यू लेवल ऑफ कॉग्निटिव एंड सोशल अवेयरनेस. पियाजे बिलीव दैट फॉर्मल थॉट अपीयर बिटवीन द एज ऑफ 11 to 15 ईयर. ठीक है, 11 ईयर से ही एडोलसेंस स्टेज में आ जाते हो. लाइक क्लास सिक्स के जो बच्चे होते हैं हम लोग उनको यूजली एडोलसेंस स्टेज से में कंसिडर करते हैं. ड्यूरिंग दिस स्टेज एडोलसेंस थिंकिंग एक्सपैंड बियॉन्ड एक्चुअल कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस एंड दे बिगिन टू थिंक मोर इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म एंड रीजन अबाउट देम. इन एडिशन टू बीइंग एब्स्ट्रैक्ट, एडोलसेंस थॉट इज ऑल्सो रियल आइडियलिस्टिक. एडोलसेंस बिगिन टू थिंक अबाउट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर देमसेल्फ एंड अदर एंड कंपेयर देमसेल्फ एंड अदर विद दोज आइडियल स्टैंडर्ड.
For example, they may think that an ideal parent is like and compare the parent with this ideal standard. Means they are start developing, making ideals बनाने लगते हैं. They have their role model, उनके कुछ role models बनने लगते हैं, ideals बनने लगते हैं. Okay? This may at time make adolescent wonder which of the new found ideal standard they should adopt. In contrast to trial and error approach used by children in earlier stages of development, adolescent thinking become more systematic in solving problem. They think of possible course of action, why something is happening the way it is, and systematically seek solution. बेसिकली कहने का मतलब ये है, इट वॉज ट्राइंग टू से दैट एडोल्सन स्टेज जो होती है बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगती है, लॉजिकल थिंकिंग करने लगती है, रीजनिंग करने लगते हैं वे लोग. एंड वो ऐसे कभी भी किसी भी चीज़ पे ऐसे बिलीव नहीं करते अनलेस एंड अनटिल इट हैज सम प्रूफ, उसका कोई प्रूफ हो. देन कोई भी चीज़ की थिंकिंग जो होती है उनकी बहुत ही सिस्टमैटिक होती है. इसी स्टेज में वो रोल मॉडल बनाने लगते हैं, एक आइडियल मोड समझने लगते हैं कि किसी भी चीज़ का ये जो है ये पर्टिकुलर आइडियल मोड है और इस तरीके से होना चाहिए. तो पियाजे कॉल्ड दिस टाइप ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग. वो क्या करने लगते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करने लगते हैं. सो दिस स्टेज इज ऑल्सो मार्क्ड बाय दिस वन. हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग. ओके, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग. नाउ व्हाट आर द अदर थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द एडोलेसेंट्स, लेट अस डिस्कस. चिल्ड्रन वी आर स्टडिंग अबाउट व्हाट आर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. So we get to know that the thinking become more abstract during adolescence, logical thinking develop, the reasoning develop, abstract thinking develops. This type of logical thinking को hypothetical deductive reasoning का word दिया गया. There are other some of the characteristics which describe the adolescent stage. Logical thought also influences the development of moral reasoning. Social rules are not considered as absolute standard and moral thinking shows some flexibility. The adolescent recognizes alternative moral courses, explore options and then decide on a personal moral code. For example, should I smoke as everyone I know does? Is it ethical to copy answer in the examination? This also lent the possibility of adolescent not following the societal norm if they conflict with personal code of ethic. Problem ये होती है कि इस stage में बच्चे confused होते हैं. वे बाहर कुछ देख रहे होते हैं और दे रीड समथिंग एल्स, दे नो समथिंग एल्स एंड दे सॉ समथिंग एल्स. सो ऑल दीज थिंग्स क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज एथिक, व्हाट इज अनएथिक. सो दे डेवलप देयर ओन मॉरल एथिक, दे डेवलप देयर ओन मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट. वो अपने लिए खुद ही एक मॉरल कंडक्ट बना लेते हैं कि ये करना सही है और ये करना गलत है. एडोलसेंस ऑल्सो डेवलप अ स्पेशल काइंड ऑफ ईगो सेंट्रिज्म. एडोलसेंस ही स्टेज में ईगो सेंट्रिज्म का कंसेप्ट आता है.
ऑटिज्म। डेविड एल्काइन नाम के साइकोलॉजिस्ट जो थे, डेविड एल्काइन ईरोसेंट्रिज्म, उन्होंने टू वर्ड्स दिए, इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेवर। व्हाट आर द टू वर्ड्स? इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेवर। दिस इज द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट, डेविड एल्काइन। इन्होंने कहा कि एडोलसेंट स्टेज में चाइल्ड एक ईगोसेंट्रिज्म डेवलप कर लेता है और इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबल आर द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ईगोसेंट्रिज्म। क्या है? फर्स्ट इज इमेजिनरी ऑडियंस, इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबर। ठीक है, इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबर, ये हैं क्या? Imaginary audiences, adolescents believe that others are as preoccupied with them as they are about themselves. Imaginary audience में जो adolescents है वो ये सोचता है कि जितना वो अपने आप को लेके occupied है, preoccupied है, दूसरा भी है। ठीक है, उनको लगता है कि कोई, वे लोग एक इमेजिन करते हैं, एक इमेजिनरी ऑडियंस उनके माइंड में होता है और उनको ये लगता है वो ऑडियंस उन्हें देख रहा है हमेशा। There is something, a person who is behind them and who are always looking at them. They all imagine that people are always noticing them and are observing each and every behavior of their. Imagine a boy who thinks that all will notice the ink spot on his t-shirt. जिसे ये सारे जो characteristics हैं, ये adolescents की ही हैं, adolescents में ही आते हैं। जैसे ड्रेस में कहीं स्पॉट भी हो गया तो वो दूसरा, तो द अदर पर्सन इज नॉट सो मच कॉन्शियस जितना वो कॉन्शियस होंगे कि उनको ये लगता है कि सारे लोग तो वही देख रहे हैं। लाइक गर्ल्स में यूजली होता है दैट पिंपल्स हो रहे या समथिंग हैपन ऑन देयर फेस और हेयर, सो दे आर वेरी प्री ऑक्यूपाइड विद दैट वन। ठीक है, सेकेंड इज द पर्सनल फेबल। The personal fable is part of the adolescent's egocentrism that involves their sense of uniqueness. Adolescent's sense of uniqueness made them think that no one understands them or their feeling. For example, an adolescent girl thinks that none can sense the hurt that she feels because of being betrayed by a friend. It is quite common to hear the adolescent say to the parent, "You don't understand me." आपने ये वर्ड अक्सर ही सुना होगा एडोलसेंस से, कि एडोलसेंस ये बोलते हैं कि यू डोंट अंडरस्टैंड मी, आप नहीं समझोगे मुझे। तो ये उनका एक पर्सनल फेबल होता है, उनकी एक पर्सनल स्टोरी होती है और उनको ये लगता है कि दे नोबडी अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, नोबडी अंडरस्टैंड देम। तो ये एक कंसेप्ट होता है, ये एक तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में का ये पार्ट है एडोलसेंस का, जो कि एडोलसेंस में ऑटोमेटिक व्हेन दे गोज इनटू द एडोलसेंस पीरियड वो ऑटोमेटिक उनमें आ जाता है। तो यू कैन से दैट कि दैट्स व्हाई दिस इज अ स्टेज व्हिच इज नोन टू बी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी डेलिकेट, वी हैव टू वेरी केयरफुली हैंडल दिस स्टेज। यही स्टेज होता है वेयर द चाइल्ड कैन मूव इनटू अ राइट डायरेक्शन और दे कैन मूव इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन। So I hope it is all clear to you. Now next part, which are the part of the adolescence, is forming an identity. ये भी cognitive development का ही part है और ये उसी में ही आएगा। ठीक है,
आइडेंटिटी फॉर्मेशन जिसे आप कह सकते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एडोलेसेंस का, ठीक है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन ये ही स्टेज होता है जहां पे चाइल्ड अपने आइडेंटिटी को फॉर्म करना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। यू मस्ट हैव शॉर्ट आंसर टू क्वेश्चन सच एज हु एम आई, विच सब्जेक्ट शुड आई स्टडी, डू आई बिलीव इन गॉड। द आंसर्स टू ऑल दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व द क्वेस्ट टू डिफाइन वन सेंस ऑफ सेल्फ एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी। ये स्टेज बहुत ही क्रिटिकली कैरेक्टराइज्ड होता है आइडेंटिटी के लिए। यही स्टेज है जहां बच्चे अपनी आइडेंटिटी, दे सर्च फॉर देयर आइडेंटिटी, दे सर्च फॉर देयर सेंस ऑफ सेल्फ, दे सर्च फॉर द सेल्फ वैल्यू, वर्थिनेस एंड ऑल। आइडेंटिटी इज हु यू आर एंड व्हाट योर वैल्यूज एंड कमिटमेंट्स एंड बिलीफ आर। द प्राइमरी टास्क ऑफ एडोलसेंस इज टू एस्टैब्लिश एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स। वे लोग पेरेंट्स से हट के अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस अ डिटैचमेंट प्रोसेस इनेबल द इंडिविजुअल टू डेवलप अ पर्सनलाइज्ड सेट ऑफ बिलीव दैट आर यूनिकली हिज और हर ओन। इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग एन आइडेंटिटी द एडोलसेंट कुड एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स एंड विद इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। Those adolescents who can cope with the conflicting identity develop a new sense of self. Adolescents who are not able to cope with this identity crisis are confused according to the stage of the arid addiction, which is the stage is of identity versus identity confusion. यही स्टेज होती है एडोलसेंस थी जब बच्चे अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से हट के कुछ अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, और यही आइडेंटिटी बनाने में एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो जाता है। पेरेंट्स डिटैचमेंट की प्रोसेस होती है जहाँ से वो सेपरेट होना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से और अपनी खुद की फैमिली, अपनी खुद की आइडेंटिटी फॉर्म करना चाहते हैं। विच सम टाइम बिकम अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन फॉर दैम। वे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, दे स्ट्राइव फॉर द फ्रीडम, दे स्ट्राइव फॉर द अचीवमेंट। तो दीज ऑल थिंग्स दे आर फेसिंग। द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग एडोलसेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स लाइक कल्चर बैकग्राउंड, फैमिली एंड सोसाइटल वैल्यूज, एथनिक बैकग्राउंड, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, सारी चीजें अफेक्ट होती हैं। कभी कभी एडोलसेंस इसी आइडेंटिटी को बनाने के लिए आपने सुना होगा कि दे फॉर्म अ स्टेटमेंट दैट डोंट ट्रीट मी लाइक अ बेबी, मुझे बच्चा मत समझो, आई एम नॉट अ किड। ओके, क्योंकि बहुत से फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इस समय होते हैं, लाइक दे द एडोलसेंस ऑल्सो पोजेस सम चैलेंजेस, उनके सामने कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। सो वी विल डिस्कस विद दीज चैलेंजेस। बेसिकली थ्री मेजर कंसर्न जो होते हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द थ्री मेजर कंसर्न? आइडेंटिटी फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब हमारा डिस्कशन है चैलेंज और कंसर्न जो कि एडोलसेंस को होता है। क्या चैलेंज और कंसर्न एडोलसेंस फेस करते हैं? तो तीन मेन इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है ईटिंग डिसऑर्डर, ये भी एक चैलेंज होता है, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। देन सेकेंड सबसे बड़ा चैलेंज होता है, द बिग चैलेंज सब्सटेंस अब्यूज। उनके सामने किसी सब्सटेंस के अब्यूज ना हो जाए या डिपेंडेंस ना हो जाए, एडिक्टिव ना हो जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द डेलिक्वेंसी, चाइल्ड डेलिक्वेंसी इज वेरी कॉमन इन दिस स्टेज। डेलिक्वेंसी एक तरह से मीन्स होता है क्राइम, एंड चाइल्ड डेलिक्वेंसी का मतलब होता है कि बाल अपराध, चाइल्ड क्राइम।
तो डेलिक्वेंसी भी होती है, एक चैलेंज होता है जो कि एडोलसेंट स्टेज में प्रॉब्लम होती है, बच्चे फेस करते हैं, लाइक स्टीलिंग करेंगे, छोटी मोटी चोरी करना या डिटेल लाई, ओके, एंड दिस ऑल स्मॉल थिंग्स समटाइम बिकम अ बिग, दे ऑल्सो डोंट नो, तब वो बड़ी हो जाती हैं, दे कमिट अ समथिंग अ बिग मिस्टेक, अ सुसाइड और मर्डर, समथिंग अ बिग क्राइम. Substance abuse like peer groups के pressure में they start taking the alcohol, cigarettes, smoke. So ये भी problem होती जो वो face करते हैं. Eating disorder, they are very preoccupied with their body. Okay, anorexia nervosa is a disorder. Bulimia, binge में out of control eating करना. Bulimia में बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे. Anorexia nervosa means अपनी जो quantity of food है वो कम कर देते हैं. Like want to maintain a zero figure or want to seem to be very good in front of our friend circle. तो ये सारी problems हैं जो कि adolescents के साथ होती हैं. So today in this video we had discussed most of the things which adolescents are used to face. Thank you so much for carefully observing all these things.